खुद भी और लोगों को भी साथ मिलाइए, मुझे लगे कि भाई बहुत बड़ा परिवार। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे विचारों को आत्मसात करते हुए और ध्यान भी आपके पक्का करना है, उनकी विद्वता। गोरखपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय की एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार दिलावर सिंह ने अपने पत्रकार साथियों को हौसला देते हुए कहा कि पत्रकार नदी की धारा की तरह है जो अविरल निश्चल चलता रहता है। ईमानदारी से पत्रकारिता की जाए तो देश की समाज की सेवा होती है। पत्रकार देश का सजग प्रहरी है और इसे हमेशा अपनी आंखें खोल कर रहनी चाहिए। गोरखपुर में आयोजित मथुरा पब्लिक स्कूल में पत्रकार समन्वय भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति की जो बैठक हुई है, तो काफ़ी संख्या में पत्रकार बंधुओं ने भाग लिया है। ये सोशल मीडिया, डिजिटल पत्रकारिता और राष्ट्रीय पत्रकारिता के मिशन में जो काम करने वाले पत्रकार हैं, उनको दायरा के साथ, सम्मान के साथ पत्रकारिता करने की जो उत्सुकता उनके अंदर है, इसकी बारीकियों को समझाते हुए नज़र आए सरदार दिलावर सिंह। तमाम पत्रकार साथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और अपनी अपनी बातों को साझा किया। इस अवसर पे तमाम पत्रकार साथी काफ़ी देर तक इस हाल में मौजूद रहे। इस अवसर पे शंभु शरण भोजपुरी न्यूज टाइम के पत्रकार ने क्या कुछ कहा, उनकी इस रिपोर्ट में पूरी बात सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी न्यूज टाइम। कहीं तो काम कर लेलस, बदनाम हो गए, लेकिन अगर मजबूत प्लेटफार्म बन गए, जैसे जो ने भाई का यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा रन करा, जेकरे भाई के यूट्यूब चैनल से अर्निंग होता तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो ने भाई के लगातार संघर्ष 10 साल हो गए, यूट्यूब पैसा नहीं क्या दे सकता है, या तो साइड से हाथ पर मारी, कई समस्या हो गई, जागरण के भी थोड़े थोड़े, राजनीति के भी थोड़े थोड़े साइड से, क्योंकि कलाकार व्यक्तित्व रहा बचपन से और नैसर्गिक प्रतिभा मन के अंदर शरीर के अंदर इस पर जाकर दे देना, तब गौले बजौले के भी काम, तो कुछ अच्छी अच्छी गीत लगनी गाय, लोकगीत वगैरह गाय लगनी और भजन कीर्तन में अच्छा रुचि, अभिनय वगैरह, यहूँ से मन जागर कि चल जा बम्बई, कुछ और संघर्ष कही जा, कुछ अभिनय कही जा, वहाँ भी संघर्ष देखा गए, बम्बई कुछ दिन गई और बड़ा वहाँ भी संघर्ष, तो थोड़े दिन बढ़ दिल्ली कुछ दिन रह के भोजपुरी लोकगीत भी जो ने समय खेसारी लाल आज दुनिया जाना था, वो वही स्टूडियो में खेसारी लाल भी गाँव बोलना, वही से हमको 2-4 दिन वही संगे गाँव गया, खेसारी लाल के थोड़ा ट्रैक बदल गए, वही समय हम 2004 में स्पून खोल दे रही, तो अपन ट्रैक हम थोड़ा सा दूसरे तरफ ले गए कि हम ई गायक का सत्कार है जो अनुभव हम ना कर ली, और वही से रिहर्सल के दौरान स्टोर कीपर के दौरान वो स्टोर में काम करत रहे, संजीवनी स्टूडियो दिल्ली में साथे साथे सब रहे, लेकिन वो अपन ट्रैक बदल के धीरे धीरे यात्रा कारवा उनका वही समय चला और बाद लेवल पर हम कई धारा पर चल गए, जैसे पत्रकारिता छोड़ने विद्यालय की तरफ गई, लोकगीत की तरफ गई, तो धारा ट्रैक चेंज होते, लेकिन 2004 से बैक नहीं रही और लगातार विद्यालय के तरफ काम के लिए मथुरा के डायरेक्टर जाना था और इंटरमीडिएट के लेवल तक विद्यालय के लिए गई और कोरोना काल में मान्यता वगैरह सब लेके कम्प्लीट, तो 2018 के बाद जब कोरोना 19 में आए तो 20 में 21 लगभग 21 में अपन चैनल हम जाए भोजपुरी निष्ठा है जन से भयंकर बाढ़ आई और एक महीने के मेहनत से लगातार मेहनत से हमारा वही एक महीना में चैनल मोड साइड हो गए, एक महीना के मेहनत से चैनल मोड साइड हो गए और 7,000-70,000 व्यूज में आगे लगा, तो अकेले एक एडिटर और हम दो लोग चल पड़े 2 बजे के बाद उतारना चल पड़ा भोजपुरी न्यूज टाइम के लिए, तो लगातार मेहनत भई और साल भर के बाद कुछ पैसा भी एक बार आ गए तो और मन बढ़ गए, एक सब जैसे $100 हो गया तो आ जाता तो और मन बढ़ गए, तो धीरे धीरे बीच में फिर लड़पड़ाई लगा क्योंकि बड़ा संघर्ष है, इन्हें व्यूज कबू ज़्यादा कबू कम कबू उतार तो जा कभी ट्रेन ली, अभी बचहू के रहे लाने कि आप हम का चैनलों पर दिखाएं, समाज के कई ऐसा मुद्दा बनाई लगा था कि सब सरकार के छोड़ कर दी सरकार अटैक करे, तो ये सब चीज़ें बचत बचाओ अपने भोजपुरी भाषा के, अब ये नाते सुख ली कि हम रही अपने जो परिवेश में जो माहौल में रही यहाँ के लोग भोजपुरी बोले, तब भोजपुरी भाषा के इतना सांसद बना आप
सात आठ जो सांसद पूरे देश में मिला के देखा जाए तो फुरफुरी होने वाला बना। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा जाए, आपने उत्तर प्रदेश के ले लीजिए चार चीजें तो हो गई, लेकिन आठवीं सूची में शामिल नहीं किया होगा। जबकि दुनिया भर के अंग्रेजी भाषा, फारसी भाषा, कौन कौन भाषा में हमारे यहाँ शिक्षा दिया जाता है, लेकिन जो मातृभाषा भोजपुरी आप अन्य प्रदेश में जाएं तो वहाँ के भाषा को उनके पढ़ावा जाता और आसानी से वो लड़का समझ के अपने अपने विचार के अपने माइंड के डेवलप कर लेना। तो एक मन में पीड़ा डाल और भोजपुरी की जो संवर्धन पैदा है नाते भोजपुरी में आप